बचपन से मेरी तमन्ना थी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ूं। दरअसल हमारे मामा जी बरसों पहले गए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहां से पढ़ के लौटे थे। वो इकलौते आदमी थे हमारे ननिहाल में जिन्होंने एमएससी किया। फिर वो रविशंकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम करने लगे। तो तब से आज तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मेरे मन में ऐसा बसा है जैसा कोई चीज नहीं बसी होती। फिर मैंने बनारस जानना चालू किया। बनारस जैसी नगरी मार्क ट्वेन कहते थे, बनारस एज ओल्ड एज हिस्ट्री। इतिहास का पता लगा लो लेकिन बनारस तो पता नहीं लगा सकते। आप लोगों से मैं बनारस की चर्चा करना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बनारस का निर्माण भगवान शिव ने खुद किया था। जी जी। तो तिवारी जी की बात यह है सर जी, हम लोग उस बनारस से बिलोंग करते हैं जो अत्यंत प्राचीन है। मैं जहाँ रहता हूँ ये तुलसीदास मार्ग है। अच्छा। और ये गली की प्राचीनता मैं क्या बोलूं, इधर कभी तुलसीदास जी विचरण करते थे। यही अखाड़ा बनवाया था उन्होंने, हनुमान जी का एक मंदिर खुद अपने हाथ से मूर्ति बना के स्थापित किया था, हनुमान फाटक। हनुमान फाटक जी। और ये जो सड़क बनी हुई है पीयूष जी, आप जानते हो जो मेन रोड है ये पीली कोठी वाली, ये 1937 में बनी, उसके पहले यही था। तो आप देखते हैं जो भी परंपरा से जो भी, जैसे कि शव यात्रा उधर से जो आती है, जितनी इधर से ही जाती है, या फिर वो मुहर्रम की ताजिया वगैरह सब, ये हमारी गली ही रूट है, है? पहले ये मुख्य सड़क हुआ करती थी, अब गली हो गई है। और आप भी पूरा जीवन बीत गया भितरी महल में, ग्वालदास साहू लेन में है। और हम लोग तो जहाँ पर रहते थे उसी के आगे गोपाल मंदिर जो था, गोपाल मंदिर जो लिखा था कि तुलसीदास ने यही विनय पत्रिका लिखी क्या। हाँ, संगमरमर दिगंबर जैन मंदिर के सामने एकदम वही बगल में छवाड़ा पड़ता था, तो वही हाँ उन्होंने जो है विनय पत्रिका लिखी। अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। नहीं बिल्कुल बढ़िया आ रही है। असल में पीयूष तिवारी जी से हमारा फेसबुक में मित्रता हुई। जी जी सर जी। इनको पाया कि सबसे मीठे किस्म के इंसान है। बहुत बहुत स्वीट एकदम। ये बनारसी जलेबी है ये। की जो रबड़ी होती है ना। जी, तो मैंने इनसे संपर्क किया। मैं बहुत कम लोगों से बात करता हूँ फोन। जी सर। तिवारी से जिसे बात हुई, ये हमारा कार्यक्रम चलता है दद्दू की चौपाल। जी सर। कवि आते हैं, रंगकर्मी आते हैं। दो और लोगों से बात चल रही थी मेरी, एक है व्योमेश शुक्ला। हाँ जी जी जी। और एक है सलीम रजा। हाँ दोनों, सलीम रजा तो बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। व्योमेश जी से तो हाँ जी नाम सुना के व्योमेश। उनका कोई ड्रामा आज है? अच्छा अच्छा, तो आ नहीं पाया। काफी काफी दिनों संपर्क नहीं है मेरा, लेकिन यह कि मित्रता अच्छी रही है हमारी। जी वहाँ आप रंगमंच वगैरह जाते हैं? समय अभाव के कारण पहले तो कभी कभी चला जाता था, लेकिन अब संभव नहीं हो पाता। प्रतिभा जी नमस्कार। नमस्कार दद्दू जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपसे कुछ जानना चाहता हूँ आपकी गतिविधियों के बारे में। बनारस में कहाँ रहती हैं आप, आपके आसपास क्या है, बनारसी साड़ी कितनी दूर मिलती है? बनारस की शिक्षण संस्था कैसी है, तो कुछ प्रकाश डालिए। जी मैं पड़ाव रहती हूँ। पड़ाव? और पड़ाव के उस क्षेत्र में रहती हूँ जिसे अब चंदौली में गिना जाता है। मतलब हमारे घर के बाहर एक पतली सी गली है।
बहुत पतली सी गली है, उसके उस तरफ बनारस रहता है और इस तरफ चंदौली। अच्छा। लेकिन कहने की आदत है बचपन से बनारस की, तो मैं तो खुद को बनारस का ही मानती हूँ, क्योंकि चंदौली में तो अभी पड़ाव को मिले मेरे ख्याल से 10-15 साल हो रहा है, और उसके पहले से मैं हूँ, तो मैं तो स्वयं को बनारस ही मानती हूँ कि मैं बनारस की हूँ, बनारस की बेटी हूँ, और मेरी जबान से कभी चंदौली निकलता ही नहीं है। कभी अगर कहीं लिखना हुआ तो भले ही उसे लिखा जाए चंदौली, लेकिन जबान से बनारस ही निकलता है। जी, और जी, बनारस की शिक्षण संस्थाएं तो लाजवाब है, अद्भुत है। आप युगों से देख लीजिए, आज तक में कोई परिवर्तन नहीं। काशी की काशी का जो आकर्षण था वो आज से हजारों वर्ष पूर्व जैसा था, आज भी वो वैसा ही बना हुआ है। आज भी लोग अमेरिका से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से आकर के हमारे बीएचयू में पढ़ते हैं। जी, तो शिक्षा का स्तर भी हमारे यहाँ बेहतरीन है। ईसा मसीह भी आए बनारस में, और ऐसा आए कि उनका भी हो गया, बनारस में आए, कश्मीर गए, भारत में। कहने का आशय कि भारत भारत में वो आए, बनारस में वो आए, और यीशु के आने के पहले उनके दो मित्र आए। तो बनारस की शिक्षा व्यवस्था तो बहुत पहले से है, इसका कितना गुणगान किया जाए। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है इसकी व्याख्या करने के लिए, जी, लेकिन हाँ, वर्तमान परिदृश्य में यदि आधुनिक समय में शिक्षा की व्यवस्था देखें तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे एक जो छोटे से बनारस में, जो हमारा पूर्वांचल है, इसमें बनारस बहुत अच्छा स्थान रखता है, बहुत श्रेष्ठ स्थान रखता है शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पर आप जो भी चाहे पढ़ सकते हैं और जो भी चाहे अपने जीवन में बन सकते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान अब नहीं रहा है, देखिए कभी रहा होगा ज्ञान, आज पैसा कमाना है जी। और इंसान की औकात बुद्धि से नहीं, उसकी जेब से होती है जी। वर्तमान में ये कठोर सत्य है और हम इसे नकार नहीं सकते। तो हमें बच्चों को थोथा ज्ञान नहीं सिखाना है, उनके दिमाग रूपी झोले में हमें बस किताबें नहीं भरनी है, हमें उन्हें व्यवहारिक शिक्षा देनी है, जिससे कि वो समाज में अपना जीवन भी निर्वाह अच्छे से कर सकें और अपने परिवार को भी एक अच्छा जीवन, व्यवस्थित जीवन दे सकें, अपने आने वाली पुश्तों के लिए भी कुछ रख कर जाएं, वरना बच्चे कहेंगे का छोड़लन हमरे बदे। ये सारी व्यवस्थाएं करनी है, तो इस मामले में हमारा बनारस बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और बनारस में तो कभी कोई भूखे सो ही नहीं सकता जी। और कहीं लोग भले ही भूखे मर जाते हो, हमारे बनारस में भूखा कोई नहीं मरता, भूखा कोई सो नहीं सकता। बस मंदिर के पास चले जाइए, किसी न किसी घर से कोई ना कोई रोटी आपको जरूर दे जाएगा जी। और यहाँ एक गमछा कमर पे, एक गमछा कांधे पे लटका लीजिए, और कोई वस्त्र की जरूरत नहीं, जाड़ा गर्मी बरसात सब इसी में कट जाएगा। और गमछा का भी कितना सुंदर वर्णन है, गमछा यानी जो गम पर छा जाए, जो दुखों को ढक ले। बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया। तो ये बनारस का यही रंग है, यहाँ पर लोग बहुत बहुत ही मस्त मौला तरीके से रहते हैं। दुख किसके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, पड़ोसियों के पास नहीं है, समाज में और किसके पास नहीं है, यहाँ कोई रोना नहीं रोता। आप चाहे चाय की दुकान पर चले जाए, आप चाहे पान की दुकान पर चले जाए, मैं तो महिला हूँ, कभी चाय की दुकान पर नहीं गई, पान की दुकान पर तो सोच भी नहीं सकती, परंतु हाँ कभी गाड़ी से गुजर रही हूँ तो साथ में भाई लोग रहते हैं, इष्ट मित्र रहते हैं, तो बताते हैं, जानती हूँ वहां के बारे में। कभी कभी घर में गोष्ठी होती है, जब हम सब लोग इकट्ठा होते हैं तो जगह जगह की बातें होती हैं कि वहां पर अरे सरवा पड़के ससुरा देखा आईएस बनगल, पेशियस बनगल, पाने के दुकाने पर बैठत रहल। पान की दुकान तो दूर दूर तक प्रसिद्ध है आपकी। पान की दुकान पर बैठत रहल, चाय की दुकान पर बैठत रहल, ससुरा आईएस बनगल, पीसीएस बनगल, मतलब कि जो यहाँ चाय की दुकानों पर बातचीत होती है, जो यहाँ चाय की दुकानों पर बातचीत होती है वो भी कितनी महत्वपूर्ण है, उसे भी आप हल्के में नहीं ले सकते जी। तो शिक्षा का ये स्तर है हमारे बनारस में। सूट बूट पहनने वाला आदमी बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर कहेगा हटा भैया तनी रस्ता दाहो, यहाँ अंग्रेजी तो निकलती ही नहीं।
हमारी वनासी निकलती है, फटाफट निकलती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, हम जब तक अपनी भाषा में न बोल लें आनंद नहीं आता। और हाँ, हमारा बनारस अभी थोड़ा, काशीनाथ सिंह जो बड़े साहित्यकार हैं, हमारे तिवारी जी के गुरु जी भी हैं, बहुत आदर है उनके लिए, उन्होंने एक उपन्यास लिखा काशीकाश से, भरमार है गालियों में, उन्होंने बनारस का जो रूप रखा उस किताब में, पढ़ने पर हंसी जरूर आती है, बेशक बेशक हंसी आती है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ पंक्तियां ऐसी भी हैं जहां खून के आंसू भी आते हैं। यथार्थ रचा है उन्होंने, हालांकि मैं जब वो पुस्तक पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि नहीं लिखना चाहिए था ये किताब, गंदगी ही क्यों दिखता है समाज में, अगर गंदगी है नहीं देखिए कहते हैं कि साहित्य समाज का आईना है, और साहित्य में वो रचा जाता है जो समाज में होता है, नहीं तो आईना ही तो समाज में गंदगी है दिखा दिया गया, गाली है समाज में दिखा दिया गया, यही तो कह रहे। नहीं, यही तो देखा तिवारी जी, गुरु जी का अपने पक्ष मतलब, हालांकि अपने गुरु का पक्ष सबके लिए रहके चाहिए लेकिन यहाँ बात दूसरों का। देखा, जब हम गाड़ी दिखाई तो आदमी गाड़ी सीखी, जब लड़का बच्चा ना जल रही ना, वो बोली वो सीखी, तो वो अपने माई बहू के जरिया, भाई बहन के जरिया, पास पड़ोसन के जरिया, जब चीज तोपल ढकल हो रहे ना, तोपल ढकल होके खत्म हो रहा, धीरे धीरे खुद नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, का यह बनारस समाज रहल, संस्कृत बोला जाता था तभी हमारे बनारस में, पांड विद्वान रहा करते थे बेशक आज भी, लेकिन भाषा का स्तर गिरा, आप देख लीजिए भोजपुरी फिल्में देख लीजिए आप, अब आंखों देखते नहीं बनता, जिस तरह से भोजपुरी के गाने हैं आप सुन नहीं सकते, यही नदिया के पार जो फिल्म है आज भी आ जाए तो हम लोग सारा काम छोड़ करके वो फिल्म देखने बैठ जाते हैं, कितनी खूबसूरती से उसके डायलॉग हैं, कितने प्यारे गीत हैं, कितने ही मनभावन दृश्य हैं, क्या प्रेम उसमें नहीं है, लेकिन आधुनिकता का ये कौन सा रोग, और वास्तविकता ये है कि हम आधुनिक नहीं हुए हैं, आधुनिक हम अब नहीं हुए हैं, हम तो पतन के गर्त में जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, आधुनिक तो हमारे पूर्वज जो आप बोली कि संस्कृत में गाली, तो ऐसा था कि ना, संस्कृत में गाली नहीं बोले, नहीं संस्कृत में गाली नहीं बोले, नहीं ये नहीं कह रहे कि संस्कृति है, संस्कृत है और उसके साथ गाली, इसका भी प्रयोग बनारस में हुआ है, एक माना जाता है कि बहुत बड़े कोई विद्वान जो थे शास्त्रार्थ के लिए, बहुत पहले सैकड़ों साल पहले की बात है, शास्त्रार्थ के लिए काशी आए और यहाँ के पंडितों को बढ़िया से हरा दिए, तो बड़ी बेइज्जती हुई, तो जब बड़ी बेइज्जती लगी तो पंडितों ने क्या किया, यहाँ पर एक मेहतर जो डोम थे कोई, उसको उठा करके कहा कि जैसे कालिदास वाला केस था वैसे ही बैठा दिया, कहा कि चलिए अब इनसे जरा सा कर दीजिए, ये हमारे गुरु जी हैं। तो अब वो लोग जो है, मतलब जो साउथ के रहे होंगे या कहीं के विद्वान रहे होंगे, अब वो संस्कृत शुरू हुए, तो इनका जो था वही जो अब यहाँ नहीं बोलने लायक है, तो वो अपना गाली शुरू कर दिए, तो जब गाली शुरू कर दिए तो फिर वो जो साउथ या कहीं के आचार्य थे वो एकदम सकपका गए कि ये कौन भाषा है तब वो बोले कि इतने में फटनती वही पता नहीं क्या क्या रटनती देखिए हाँ, ये मंडन मिश्र वाली घटना से बिल्कुल मिलती जुलती है। हाँ, बस वही मंडन मिश्र की घटना है, जो शंकराचार्य आए थे, उनका मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ होना था, तो मंडन मिश्र हारने लगे, उन्होंने अपनी पत्नी को आगे कर दिया, पत्नी तो विद्वान थी और मंडन मिश्र विद्वान थे, शंकराचार्य सब विद्वान थे, लेकिन यहाँ पर जिस विद्वान का शास्त्रार्थ कराया जा रहा है वो केवल गाली बक रहा है, वो कुछ भी नहीं जानता, उसको संस्कृत का एबीसीडी नहीं पता, उसको तो बस कालिदास की तरह जैसे वही हिसाब से खड़ा कर दिया गया अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए, और उसने जब गाली शुरू की तो लास्ट में यही बोला इतने में फटनती अभी, और वो हार गए।
अपना सरेंडर कर गया कि नहीं है, तो गाली यहाँ पर रहा है। नहीं किसी भी तरीके से हारे हैं, तो गाली तो रही है। स्वयं मूर्ख से हारे हैं भगवान, या तो महान कोई ऋषि मुनि होंगे, तपस्वी होंगे, उन्हीं को दर्शन देते हैं, या तो ऐसे मूर्ख को दर्शन देते हैं जो कहता है हे राम जब तक तू न खेबा न खा हमारे गुरु कले मुझे रोटी बना के रखा है खा ही नहीं रहा है, अब राम जी आवे ना तो क्या करें, अब वही के पड़ी नहीं तो मूर्ख भूखल मर गई। तो भगवान या तो महान ज्ञानी के दर्शन देवन है, या तो एकदम सीधा साधा अधीन के दर्शन देवन है। आप बनारस में है देखी होंगी पुराने भित्री महल वालों को अधिकतर भांग खा करके भगवान को शंकर भगवान को भी गाली देते हैं, ये केवल बनारस में हो सकता है। गाली की बात की है तो आप भैया पृथ्वीराज भैया बता देंगे कि वो जरा सा दोस्त में आकर के बबुआ मतलब बाबा नहीं बबुआ मतलब महादेवुआ अब महादेवुआ के साथ जो है जो जो जोड़ना है वो भी जोड़ देगा एकदम मतलब दोस्त है। भगवान को भी गाली अगर कहीं मिली है दुनिया में तो भगवान बनारस से मिली है तो गाली तो हाँ जी जी। अब गाली पे मैं एक अर्ज करूं, मैं भोपाल से हूँ जी, तो भोपाल में भी वैसी गालियां चलती जैसा जिक्र आप बनारस में कर रहे हैं। जी जी जी। तो जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे जमान में भी वहां की गालियां चढ़ गई जी, और चढ़ी रही बरसों। फिर इधर बुढ़ापे में इस तरफ आया गुजरात बड़ौदा आया तो यहाँ साफ सुथरा सामाजिक जीवन है जी। यहाँ छोटे से छोटी गाली भी कोई नहीं बोलता जी। तो एक बार हम आए घर में, एक हमने सर्वेंट रखा था तो मुंह से निकल जाती कुछ तो बड़ी सामान्य सा शब्द हम लोगों के घरों में भी चलता वहां भोपाल में, जिसको गाली नहीं मानते। तो मैंने उससे कह दिया अबे चूतिए ये सामान यहाँ नहीं वहां रख। अरे भैया वो तो रोने लगा दहाड़ मार मार के, चूतिए वो बिल्कुल सामान, इसको हम गाली नहीं मानते। अब बताइए तिवारी जी ये गाली है क्या? ना 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 ये बिल्कुल नहीं गाली है, आप तो पोस्ट में लिखते हो। तो ये तिवारी जी को तो पढ़ा है भाई ये लिखते हैं। भैया बता दे गाली है कि नहीं? जी पृथ्वीराज भैया तो है। हाँ। पृथ्वीराज जी बेशक गाली, जब जब आप हिंदी डिक्शनरी में जाएंगे बिल्कुल जी गाली है ये, क्योंकि उस शब्द से बना हुआ है ये शब्द। हेलो जी 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 शामिल नहीं हो रहे? नहीं नहीं मैं शामिल हूँ, आपकी आवाज आ रही है, शामिल है। अच्छा शामिल वही बता रहे हैं। ये जो शब्द है जो सर में लिया अभी ये बिल्कुल गाली है, क्योंकि उस आप जानते हैं भली भांति कि उस शब्द से बना हुआ है जी, जी। जिसको लोग जो है माने गुप्त अर्थ में बोलते हैं तो गाली तो है ही है, और जो उस रूप में लेगा हमारे यहाँ तो भाई माँ बहन की गाली को भी सहज रूप में लेते हैं लोग, और यार दोस्त आपस में इस तरह से एक दूसरे को देते हैं जैसे कि बहुत प्रेम जता रहे हों जी, जी, जी। तो यह है, तो जो उस रूप में लेगा गाली के रूप में लेगा जो कभी सुना नहीं जी तो हाँ, उसको दुखी होगा ही स्वाभाविक है जी, जी। ये तो यहाँ वास्तव में जैसे हम लोग जिस एरिया में रहते हैं अब बहुत खराब हो गया है, जिस तरह से गाली दी जाती है वो अब बर्दाश्त नहीं होता। नहीं नहीं अब ऐसा या पहले ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। मैं तो अपने बचपन से देखता जी, चला जी, आ रहा हूं। हाँ, जी सर मैं तो अपने बचपन से देखता चला आ रहा हूँ। एक बात बताइए जी जी, बनारस में काशीनाथ सिंह जी वगैरह से आपकी मुलाकात होती है? बनारस का जिक्र हो तो काशीनाथ जी का जिक्र ना हो जी, आप बताइए कहाँ रहते हैं, आपकी मुलाकात कहाँ होती है? काशीनाथ जी बीएचयू के पास ही एक मोहल्ला है सुंदरपुर, तो अच्छा। उसी सुंदरपुर में ब्रिज इंक्लेव कॉलोनी है वहीं रहते हैं। तो और शुरुआत तो बीएचयू में ही रहते थे, अब चूंकि मकान बनवा लिए और यहीं रहते हैं अब,
ये जो बताई अभी काशी का 80 जो नॉवेल है उनका, तो उसमें जो मोहल्ला है 80 गंगा जी के किनारे, वहां पर इनका बैठना उठना होता था, ज्यादा बहुत होता था। पहले निवास भी था, निवास पहले निवास, पहले निवास भी था वहां पे, बहुत पहले आपके पिता था, बहुत पहले निवास भी था। उसके बाद जो नामवर जी वहीं रहते थे, वहीं निवास पे रहते थे, और उसके बाद जो है अपना बीएचयू हुआ, उसके बाद जो है, और दरअसल ये लोग बनारस के नहीं है, यही चंदौली जो बता रही है प्रतिभा जी जो चंदौली जिला बता रही है, उसी का नाम है जियनपुर, गांव है एक वहां जियनपुर के। तो नामवर जी जो है चले आए काशीनाथ जी को लेकर के, और उसके बाद जो है यहाँ यूपी कॉलेज में नामवर जी पढ़े, और वहीं से आगे निकल गए निराला जी और जो है त्रिलोचन जी, उन लोगों का साथ मिल गया और धीरे धीरे बहुत आगे चले गए। अब यही है। और यहाँ कहते हैं ना, जैसे हर आदमी के घर के पास कोई ना कोई घाट पड़ता है, आपके निवास के पास कौन सा घाट पड़ता है? हम पहले जहाँ जिस मोहल्ले में रहते थे वहां पर तो घाट ही घाट था। अब ये कहा ही नहीं जा सकता कौन घाट पहले पड़ेगा, कौन घाट पास पड़ेगा। पहले दाएं चले गए तो सिंधिया घाट, बाएं चले गए तो पद्मनाभ घाट, थोड़ा सा आगे चले गए तो दुर्गा घाट, फिर चले गए ब्रह्मा घाट, तो वो पता ही नहीं चलेगा। एक क्योंकि बनारस इतना कंजेस्टेड है, मोहल्ला भी कैसा है कि यहाँ से चले 10 कदम आगे बढ़े तो मोहल्ला का नाम बदल गया, 10 कदम आगे बढ़े तो अब जैसे मैदानिन से चौक गुरोलिया जाते जाते अब समझ लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी नहीं होगी, तो मैदानिन से चले बुलानाला, उसके बाद आस भैरो के बाद चौक, चौक के बाद बांस फाटक, जानवाफी के बाद बांस, मतलब कम से कम 10 मोहल्ले तो हो ही जाएंगे। तो इतना छोटा छोटा मोहल्ला है कि अब जैसे भैया का डरसी का फूल, पता नहीं कितने मोहल्ले हैं, गिने नहीं जाते, और मोहल्ला 10 कदम पर बदल जाना, तो ऐसा है। तो वैसे ही घाट है, घाट मतलब गली में से आप दाएं कदम पड़ गया तो दूसरे घाट पर उतर गए, बाएं कदम पड़ गया तो दूसरे घाट पर उतर गए, मैं इतना नजदीक नजदीक है सब, चंद्राकार गंगा है। हाँ आप तो घाटिये ही थे भाई एक तरह से। लेकिन तैरना नहीं आया आज तक। घाट घाट का पानी पिया है आपने? पानी तो भैया के साथ पिया है ना, भैया के पीछे पीछे हम चलते थे, पान भी खाया है घाट घाट, भैया के पीछे पीछे चलते थे भैया। हम लोग बाल सखा रहे हैं सर, हम लोग बाल सखा रहे हैं, हम भैया के पीछे पीछे चलते रहे, बचपन के दोस्त रहे हम लोग। आप और तिवारी जी? जी 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 सर, बाल सखा रहे हैं। हाँ जी जी जी, तो तिवारी जी तो बाल ही नहीं है। वैसे एक बात सखा इसीलिए बिछड़ गया है सर। तिवारी जी के बारे में एक बात मैं कहता हूँ, पृथ्वीराज जी ध्यान से सुनना। जी जी जी, जो केशवीन होते हैं, मैं टकला नहीं कह रहा, केशवीन होते हैं जी, वो बड़े बहादुर होते हैं। बिल्कुल नहीं बहादुर है, सुनिए तो मेरी बात जी। हाँ जी जी, सन्यासी होते हैं, उनको कोई सांसारिक मोह नहीं होता, मांग नहीं होती है, अव्वल जी मांग नहीं होती, लीडर होते हैं जी, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सही बात, तो हमारे त्योहारी को कोई बाल बांका करके नहीं कर सकता, नहीं कोई मांग में सिंदूर डाल सकता है, बाल ना बांका करके तो वैसे भी नहीं डाल सकता तिवारी जी। आप पीयूष से पीयूष ही बनना पड़ेगा। क्या बात है प्रतिभा जी, मेरी पृथ्वीराज जी से फोन पे पहली बात हुई तो मैंने पहला डायलॉग यही कहा, 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत छू के चौहान। मेरे पृथ्वीराज जी ऐसा नाम कहाँ रखते हैं लोग आजकल, मन प्रसन्न हो गया, पृथ्वीराज ऐसा नाम में दम नहीं होता है, कभी कभी ऐसे नाम सामने आ जाते हैं। एक बार ऐसे ही विद्यालय के किसी कार्य से मैं नहीं, नाम पर मुझे आना हुआ,
हाँ, तो वहां पर एक लड़का मुझे मिला, वो बहुत प्यारा था। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो कहता है चंद्रशेखर आजाद। मैंने कहा हाँ, फिर से बोलो, फिर से बताया, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा तुम्हारी माँ कहाँ है, तो माँ को लेकर आया, मैंने पूछा, तो उसने कहा हाँ मैंने इसका नाम यही रखा है। मैंने कहा क्या बात, बड़ा मुश्किल। वो बच्चा 6 साल का रहा होगा, 6 साल के बच्चे का नाम चंद्रशेखर आजाद। बहुत क्या बढ़िया नाम, नाम तो सर चंद्रशेखर आजाद तो गनीमत है, नाम तो ऐसा है राज कपूर मिश्रा, पुराने राज कपूर पूरा उठा लिया और मिश्रा, और ये कोई और का नाम नहीं है। पृथ्वीराज भैया जानते होंगे कि इन्हीं के एक मित्र थे, उनके चाचा का नाम था राज कपूर मिश्रा, मतलब कपूर पूरा उठा लिए और उसके बाद मिश्रा लगा दिए। तो नामों के ऊपर तो बनारस मशहूर है, कितने किस्म के नाम है। जी जी अच्छा, वो एक फिल्म देखे थे बहुत पहले, संघर्ष, जी दिलीप कुमार थी, वजन जी 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 हाँ दिलीप, उसमें बनारस काफी कुछ था, बनारस के घाटों का चित्रण था जी, और बनारस के पंडों की गैंगवार थी। हाँ तो बहुत अच्छी लगी थी, आप लोग YouTube पे देखिए वो जरूर। बनारस अब बहुत बदल चुका है सर, तो अब बहुत बदल चुका है सर बनारस, वो पंडों का वो अब वो पंडों का वर्चस्व नहीं रहा और अब जो है सरकारी नियंत्रण में है। हमारे जो प्रमुख मंदिर हमारा काशी विश्वनाथ है और काफी कुछ बन रहा है नया, बहुत खूबसूरत हो रहा है बनारस जी। अच्छा हेलो, काफी बदल रहा है बनारस सब है, इसकी इसकी सुंदरता बढ़ती जा रही, थोड़ा सा कंजेस्टेड ज्यादा है, बहुत आबादी का दबाव है। हमारे यहाँ जो सीवेज व्यवस्था है, जो पाई ये पानी की व्यवस्था है, वो अंग्रेजों के जमाने की 4 लाख की आबादी के लिए था, अब ये आबादी 40 लाख हो गई है, तो दिक्कतें जरूर जरूर हो गई हैं। लेकिन अब ये हमारी जो नई सरकारें हैं, हमारी के प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, इन्होंने सब संकल्प लिया है और बनारस का विस्तार भी हो रहा है बहुत ही सुंदर। आने वाले समय में समय लगेगा, लेकिन बनारस वास्तव में इन सरकारों के अगर पास रहा, इनकी देखरेख में रहा, तो निश्चय ही बदलेगा और ये ऐसा हो रहा है, दिख रहा है। वैसे भी मैंने देखा वीडियो में, छोटी छोटी गलियां, छोटी छोटी गलियां, बहुत छोटी गलियां, पतली पतली, और उसमें भी जबरदस्त आबादी का दब, जबरदस्त उसमें रेलम पेल मची रहती है, और फिर भी लोग एकदम जी आबादी का घनत्व तो बहुत है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, लेकिन अब विस्तार पा रहा है जी। तिवारी जी, तिवारी जी, जी जी बोले, आपने जो उपन्यास लिखा है जी, थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्या है, कहाँ का है, उसका जो कंटेंट है। कंटेंट यही है, हाँ कंटेंट यही है कि उसको हमने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर एक जी त्रिशंकु जो थे भगवान राम के पूर्वज, जी उनकी जी कहानी उठाई थी कि उनको जो विश्वामित्र स्वर्ग भेजते हैं, तो इसको हमने साइंस का लेकर के लुक देते हुए उसको इस तरह से दिखाया कि विश्वामित्र उनको जो है उस जमाने में एक साइंटिस्ट थे और जो है स्पेसक्राफ्ट बनाए और उसमें जो है त्रिशंकु को भेज दिए। हुआ ये कि जो है ऊपर जाते समय वो ब्रह्मांड की कुछ गड़बड़ी, टेक्निकल गड़बड़ी के कारण वो जो है स्पेस में चला गया, उसको जाना था पृथ्वी की कक्षा में, ऑर्बिट में जाना था, वो जो है चला गया दूर। अब वो जब दूर चला गया तो स्पेस में मरना मुश्किल होता है, मरना आसान नहीं होता स्पेस में, तो मरे नहीं, अब वो स्पेस में ऐसे ही भटकते रहे। अब वो स्पेस में भटक रहे हैं, उसी दौरान उनकी जो है वहां पर तरह तरह के दो चार ग्रहों पर जाते हैं और अंत में उनके अंदर जो एक इच्छा थी कि ईश्वर है कि नहीं ये पता करना, वो स्पेस में जाकर के ये पता करना चाहते हैं कि ईश्वर सचमुच है कि नहीं। तो अंत में कंक्लूजन ये हम निकाले
कि ईश्वर है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा हम लोग सोचते। और ईश्वर है कैसा, तो पहला बात ये कि एक थोड़ा अटपटा लगेगा लोगों को। हमारा ये मानना है कि हुआ तो हमारी कल्पना से, लेकिन हमारी कल्पना से हो करके सचमुच का हो गया। ये बड़ा अजीब चीज है कि हम अगर सोच लिए तो हो जाए। हाँ, हो जाए, मतलब ईश्वर है ये हमने सोच लिया, तो सोच लिया तो हो गया ईश्वर। हाँ, जब तक नहीं सोचा था तब तक ईश्वर नहीं था। मतलब ये कहने का कि हम मान लिए कि ये है तो है, और नहीं माने तो नहीं। अब देखे होंगे जैसे कि जो लोग मान लेते हैं कि भूत है उसको जरूर भूत पकड़ देता है, और जो मानता ही नहीं है कि भूत नहीं है उसको भूत कहाँ, कोई मतलब एकदम नॉनसेंस उसके लिए होगा। बस हमारा यही दिखाना था कि अगर हम मान लिए कि भगवान है, राम जी हैं या शंकर भगवान है, तो जरूर है, और नहीं माने कोई नहीं है। सही है। बस अच्छा, बनारस में रह के नास्तिक होना बड़ा मुश्किल है ऐसा हमें लगता है। चारवाक नहीं, बनारस में नास्तिक संप्रदाय भी चला है, चारवाक भी शायद बनारस से जुड़े रहे हैं। बिल्कुल, बनारस के ही थे जी। हाँ, बनारस के दरबार में ही थे। हाँ, अच्छा अच्छा, तो नास्तिक चार वेद तो... कर्तारम भूत भांड निशाचरम। जावे जिए सुखम जीवन, ये चारवाक का दर्शन था। हाँ, तो चारवाक तो नास्तिक, मतलब इससे बड़ा नास्तिक कौन होगा। उन्होंने वेदों को ही, वेदों को ही निराधार बता, बेकार बता दिया। हाँ, पूरा बता दिया। नहीं, जहाँ मंदिर बहुत ज्यादा होंगे वहाँ आस्था के साथ साथ अनास्था भी पनपती है। एक ही सेंटर काउंटर तो चारवाक का वहां होना जरूरी था जी, कि वो एक अपोजिट विचारधारा खड़ी होती है। ऐसा मेरा सोच है जी, सही सोच। आप लोग बनारस में जाने का मन करता है, कचौड़ी और जलेबी बनारस की, पालक के पकौड़े खाओ। मतलब बनारस मतलब मेरे लिए तो लालच का अड्डा है। फिर शाम को रबड़ी रबड़ी केसर रबड़ी पकौड़ों में एक भांग का भी पकौड़ा होता है। अलग का पकौड़ा टंडरी बजाने के लिए। बनारस में खाने का तो ये खाने में तो लोगों की जैसे आत्मा बसती है। मतलब जीवन भर कोई एक ही तरह का पकवान बना करके इतने पैसे कमा सकता है। मतलब सिर्फ कोड़े की सब्जी में चना डाल करके वो 40 साल से बेचा जा रहा है, वही कचौड़ी वही कोड़े की सब्जी चना डाल करके। कोई सिर्फ उसी का ठेला लगाता है, कोई सिर्फ चने ही बेचता है, तो कोई सिर्फ बैगन की सब्जी, आलू टमाटर, उसमें थोड़ा सा कुछ कहीं पनीर के टुकड़े जो आजकल डाल दिए जाते हैं, पहले वो भी नहीं डाले जाते थे, और कचौरी वो 50-60 साल से खाते आ रहे हैं हम लोग। आज भी उसकी दुकान पर यही मिलता है, उसके पिताजी ने भी वही बेचा, वो भी यही बेच रहा है। मतलब बस यही एक सब्जी, यही एक पूड़ी, और लोगों की भीड़ लगी होती है प्रतिदिन। सुबह में लोग उसका वही बैगन की सब्जी, वही कचौड़ी खा करके अपने गंतव्य तक जाते हैं। तो बनारस की तो ये यही व्यवस्था है कि कोई बस गन्ने का ही रस लगा लिया ठेला, अब वो गन्ने का ही रस बेच रहा है, उसी से उसकी इतनी बिक्री हो जा रही है। पता चल रहा है कि खाली बस चने को भून करके थोड़ा सा चाय के साथ बेच रहा है, ठेला टूटा हुआ है, लगता है कि अब गिरा कि तब गिरा, और घर देख लीजिए तो 7 मंजिला ऊपर। ऐसी कौन सी महंगी से महंगी गाड़ी है जो उसके यहाँ नहीं है, लेकिन काम क्या करते हैं भैया, ठेला लगाते हैं। क्या बेचते हैं भैया, चना बेचते हैं, चाय बेचते हैं जी। तो एक एक आदमी अपना अपना धंधा चुन लिया है, धंधा यानी कि हमको बस यही करना है, और उसी से वो जाना जाता है, वही उसकी पहचान है, उसी से वो अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, और ये बड़े बड़े मकान बनाए।
तो बनारस में हर तरह के लोग अपने अपने जीविका का एक साधन कोई चुन लिया उन लोगों ने, और बस उसी पर वो लगे हुए हैं, भटकते नहीं है कि आज हमने ये काम कर लिया नहीं चल रहा है, वो काम कर लिया नहीं चल रहा है, वो काम कर लिया नहीं, वो डटे हुए हैं, उसको भी चला रहा है उनका। अब उसी से देख लीजिए बच्चे कहाँ कहाँ बढ़ जा रहे हैं। तो सबका धंधा है, कोई किसी के व्यवसाय में कोई दखल अंदाजी नहीं करता। हमारे तो घाट पर भी नाव के रास्ते बंधे हुए हैं कि इस रास्ते से हम जाएंगे, उस रास्ते से तुम जाओगे, इतने से इतने बजे तक मेरी नाव चलेगी, उसके बाद तुम्हारी चलेगी। तो गंगा मैया के पानी पर भी लोगों ने अपना अपना जगह स्थिर कर लिया है, सभी मिलजुल करके कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता। और जहाँ चार बर्तन रहते हैं खनक तो होती ही है, एक वो कहानी कि मणिकर्ण घाट में पार्वती जी ने अपना एक कुंडल फेंक दिया था। नहीं नहीं पार्वती जी नहीं था, नहीं था सती, माता सती का एक कुंडल गिरा था, और गिरा था वहाँ, जिससे कि वो मणिकर्ण घाट कहलाया, वो मणि का कुंडल था, कुंडल की मणि, कुंडल की मणि प्रकाश डाला। और इसी मणिकर्णिका घाट के कारण रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी मणिकर्णिका पड़ा था। तिवारी जी इसके बारे में विस्तार जरा आप बताइए। हमें नहीं जानकारी है, पृथ्वीराज भैया को ज्यादा जानकारी है इसके बारे में। नहीं बिल्कुल सही है, वो तो आपने बताई दिया। हाँ। उनके कुंडल का मणि गिरा हुआ था वहाँ पे, इसलिए मणिकर्णिका वहाँ पे। अच्छा, कुंडल नहीं गिरा, कुंडल नहीं गिरा था। नहीं कुंडल नहीं, कुंडल की मड़ी एक गिरी थी। हाँ। कुंड जो बना हुआ है वहाँ पे, कुंडल में लोग स्नान करते हैं, वह विभिन्न प्रकार की व्याधियों से मुक्त होने का स्थान है, उसमें स्नान करने से ऐसी मान्यता है। और इसलिए वहाँ का जो है महात्म्य है और बढ़ जाता है मणिकर्णिका घाट का, वैसे संभवतः पहले से ही वैसे पूरी काशी को महास्थान कहा गया है। और ये माना गया है कि काशी में गंगा के तट पे कहीं भी जो है अगर सौदाह किया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ कड़कड़ में शंकर हैं। और लेकिन यह है कि विशेष रूप से मणिकर्णिका का जो स्थान है, क्योंकि वहाँ माता सती का मणि गिरा हुआ वहाँ स्थान है, वहाँ वो है, और वहाँ पे आप जानते ही हैं कि वो मंदिर है भगवान भूतनाथ का, महाशमशान नाथ का। इन सब वजहों से सौदाह लोग चाहते हैं यहाँ पूरे पूर्वांचल में, यहाँ गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, सभी जगहों से सब लेकर के लोग यहीं आते हैं। सबकी एक ही कामना होती है कि हमारा हमारे जो शव है हमारे परिवार में किसी का, तो वो यहीं पर दाह हो उसका। एक कमाल ये भी है सर की जो है शमशान घाट पे डांस ऐसा कहीं नहीं देखा जा सकता, कहीं नहीं, लेकिन मणिकर्णिका पे होता है और अच्छा खासा डांस होता है, बहुत जबरदस्त। 7 साल में एक बार रखा है और उधर किताब जलती रहती है और डांस होता रहता है, रात भर डांस होता है। मौत भी यहाँ उत्सव होता है, लोग मरने के लिए बनारस आते हैं। अरे हमारा तो चूंकि ये प्राचीन मोहल्ला है, इधर से सौ गुजरते हैं नगाड़ों के साथ, ऐसा कहीं नहीं देखा जाता, और मैंने तो कहीं नहीं देखा है नगाड़ों के साथ नाचते गाते सौ लेकर के जाते हैं लोग। मृत्यु भी एक उत्सव है, और काशी तो उत्सव की नगरी ही है, यहाँ इतने उत्सव प्रेमी है कि हर रोज उत्सव मनाना चाहते हैं और मनाते भी हैं, हर रोज उत्सव मनाना चाहते हैं और मनाते भी हैं। शाम को भंग की तरंग में लगभग आधा बनारस खो जाता है, और फिर वो शाम उत्सवी हो जाती है उसके लिए। अभी जो टीवी कल्चर चला है इसके वजह से थोड़ा सा बाधा पहुंची है, लेकिन हम आप अपने लड़कपन के बनारस के संदर्भ में सोचे, जरा सोचे कितना आम था, प्रतिदिन शाम को छान के गोला है और ठंडई है लोग और गप चढ़ाका और गप गप तो ऐसा है सर कि कब लोग ताजमहल को बेच दें, कोई खरीदार भी खरीदार खरीदे और गप, ये गप
तो ये तो एकदम आम था ये बनारस में। अब वो सीन तो नहीं दिखती, लेकिन फिर भी अभी भी जो है बनारस में वह रंगीनी है, वह जिंदा दिली है, और वो घाट पर दिखती है, मैंने घाटों के एरिया में जो घाट के पुराने जो पक्का महल है दिखती है, और जो असली वास्तव में जो बनारस के बासिंदे हैं, जो बाप दादे से बहुत पहले से बसे थे, उनके रंग में यहाँ जो बाहरी आए, चाहे महाराष्ट्रीयन आए, चाहे गुजराती आए, वो सब भी रंग है, चाहे बंगाली आए, उन्होंने भी बनारसी कल्चर को, जो बनारस की संस्कृति थी, इसकी बोली को है एकदम आत्मसात कर लिया और यहीं के होके रह गए। और कहा भी है आपने भाई, हम बचपन से हम आप सुनते आ रहे हैं कि चना चबेना गंगा जल है, तो ये बनारस की संस्कृति है। और एक गमछा पहना, एक गमछा ओढ़ा और कहीं भी चल दिया, अब वो बदल रहा है। अब ये पहले क्या आपने जैसा कि मैडम ने बताया, प्रतिभा जी ने, कि शिक्षा की नगरी हुआ करती थी, तभी यह हम पहनावा था है, और विद्वता पहनावे पे नहीं आकी जाती थी, है कि नहीं सर? और अब देखिए, अब तो धीरे धीरे बदल रहा है, बनारस काफी कुछ बदल भी चुका है। बनारस भले बदल जाए, बनारसी कभी नहीं बदलेंगे। हम बनारसी नहीं बदलने वाले। नहीं, बात तो नहीं, सही कहा, चले जाए अपना बनारसीपन हम नहीं छोड़ सकते। नहीं नहीं, बात सही। अब बड़ा सहज और सरल जीवन है, जैसा संभवतः हमें लगता है, हमने कहीं दिखता भी नहीं हमने कहीं। और वह कुछ यहाँ के कुछ हवाओं में ही वह विशेषता है, लोग अलमस्त टाइप के रहते हैं और दुखों को भी बहुत सहज तरीके से झेल लेते हैं, अभावों को भी बहुत ही सहज तरीके से झेल लेते हैं। और ऐसा हम आप अपने आसपास और देखते रहते हैं, हम सब में महसूस करते हैं कि यह मस्ती। अच्छा, हम कहीं बाहर होते हैं तो बनारस तो भी स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है, तब भाग कर आ जाया जाए, है कि नहीं सर? एकदम। अच्छा, दो चीजों के लिए और प्रसिद्ध है। हाँ बताए सर। पृथ्वीराज जी बनारस जी, हम लोग दूर से सुनते हैं। एक तो भांग बनारस की भांग बड़ी दूर दूर तक जाती है, यहाँ की पत्तियां और गांजा तो बैंड है, प्रतिबंधित है, और कम इसका सेवन भी होता है, चोरी छुपे जो होता भी है तो कम होता है, लेकिन भांग तो खुलेआम और बहुत ही आम था, माने लगभग जो है अब हम लोगों के लगभग में। मैं जी हाँ कहें, कुछ कह रहे थे, हम लोगों के लगभग में ही मैं देखता था आम बनारसी जो कामनर्स हैं वह नित्य भांग जरूर खाते थे। अब वह चलन कम हो गया, खत्म हो गया लगभग, और अब बल्कि चलन में आ गई है, अन्यथा शराब जो है बनारसी कल्चर में कहीं थी नहीं, कहीं नहीं थी, बिल्कुल शराब कभी थी ही नहीं बनारसियों में, यहाँ भांग ही है, इसे इसे थोप दिया गया, यहाँ भांग रहा है जी जी। यहाँ की ये क्या हुआ है कि पूरे ऑल इंडिया में ये जो शराब माफिया है जी जी जी, उसने सब जगह देसी कल्चर को खत्म कर दिया जी 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 जी, वरना भांग से कोई नुकसान नहीं। नहीं नहीं, लोग अपनी क्षमता के अनुसार लेते हैं, कोई नहीं करता जी, ये सब शराब के कारण जी 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 जी, वरना लोग भांग खाते थे, घर में आते थे, हंसी मजाक करते थे जी 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 जी, खाना ज्यादा खा लेते, चार रोटी ज्यादा खा लेते, रबड़ी पी लेते भाग भाग के ऊपर रबड़ी मलाई है दूध ये अनिवार्य होता था है, तो उसको हमारे यहाँ बनारसी बोली में काचिकिया में गिजा कहते हैं है, माने भांग के पश्चात। और सर आप यहाँ पे, आप यहाँ ठंडाई में ले लें तो ठंडाई भी बादाम वाली ठंडाई, मलाई वाली ठंडाई जी, तो वह काफी जो है, समझिए आपकी न्यूट्रिशस होती थी है, तो भांग के जो भी भांग का जो
बुरा असर है उसको दूर करती थी और साथ ही शक्ति प्रदान करती थी, मजा आ जाता था। जी 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 जी, लोग भांग को ठंडाई में मिला के बनाते हैं, तांबे का सिक्का रगड़ के। जी जी जी, पीली को बनाते थे, अब तो बंद हो गया था। हाँ, अरे यहाँ पर तो अभी खैर दुकानों में मिलती है अलग अलग किस्म की ठंडाई, और ठंडाई के तो इतने हम क्या बताएं, मैं तो यहाँ चर्चा उतना नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे भी उतना, लेकिन ठंडाई की कई वो है क्वालिटी, गुलाब की ठंडाई है, हैं तो आपकी मलाई वाली है, तो बादाम की है, क्या क्या है सब, बहुत सारी। दिन भर इंसान जब खटेगा तो कुछ तो चाहिए मनोरंजन के लिए, थोड़ा सा भांग ले लिया, चौपाल लग गई, आस पड़ोस के महिलाएं पुरुष इकट्ठा हो गए, शाम के समय गाना बजाना हो रहा है, सही हो रही है, गप्पे चल रहे हैं, जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि अगर चार गपेड़िए मिल जाएं तो वो ताजमहल बेच दें, खरीद भी लें लोग, तो ये मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था। गप चलती थी और समय के साथ बहुत सारी चीजें विकृत हो जाती हैं। हाँ, समय के साथ बहुत सारी चीजें विकृत हो जाती बदल रही। हाँ, तो धीरे धीरे इसका भी रूप बदला है ना, हर पीढ़ी अपने पिछली पीढ़ी से चार हाथ आगे ही रहती है, और ये चीज हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, जो पहले के व्यवसायी थे क्या वही रह गए हैं, बहुत छोटी मोटी चीजों को, अगर कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो परिवर्तन तो हर हर क्षेत्र में आया है। जो हमारी नई पीढ़ी तैयार हुई है उसने जिस तरह से व्यवसाय किया, जिस तरह से शिक्षा का स्तर बढ़ाया, जिस तरह से वो राजनीति में आए, उन्होंने बहुत बहुत तरह के परिवर्तन किए हमारे समाज, लेकिन हमारे कुछ हम लोगों ने जीवन के सौंदर्य को खोया भी है। नहीं रहा कुछ, जैसे मैं देखता था, संदेह खोया है, लेकिन जी बिल्कुल, अपने बड़कपन में देखता था जो मजदूर वर्ग था, वो मजदूर वर्ग शाम को, अब कोई वाद्य यंत्र नहीं है उनके पास, लेकिन वो थाली है, बटलोही है, उसी पे बजा करके इतना सुंदर वो कजरा चैती है, कजरी चैता, और मतलब जो लोक संगीत है, हैं, वो खुल के अपना ललकार के गाते थे, वो एक अलग मनोहर उनके गीतों का जो है लहरी, वो चारों तरफ है गुंजित होता था वातावरण में, अलग सौंदर्य था उसका। और ये जहाँ जहाँ ये मजदूर लोग रहते थे, हमारे तो बिल्कुल सामने ही था, और ये अब वो कभी नहीं दिखता, उनके ही बच्चे हैं, आल औलाद हैं, लेकिन अब सब सब खत्म हो गया, छूट गया सब। तो ये चीजें बदल गई, इस 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 आधुनिकीकरण ने हमारे बहुत सारे लोक संगीत नष्ट कर दिए, नष्ट कर दिए गए, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो सौंदर्य था कजरी का, चैता का, देखिए सावन आता है चला जाता है, अब आप सोचें कि ये कजरी का कितना महत्व हुआ करता था हम लोगों के लड़के। अब हम अपने बचपन की ओर चले तो वहां देखें कि लगभग लगभग घर घर में महिलाएं हैं कजरी गाती थी, और एक त्योहार ही होता था जिसमें लड़कियों को एक तरह से प्रशिक्षित किया जाता था उसके लिए, है, और वो सब तो खत्म हो गया। ये तो कुछ घरानों में जाके सिमट गया, ये जो संगीत का सौंदर्य है। चलिए, समय के साथ कई चीजें खत्म होती रहती है। हाँ जी, लेकिन मस्ती हमेशा कायम रहनी चाहिए, मस्ती हमेशा बनी रहनी चाहिए जी, बनावटी मस्ती को। मुझे लगा अच्छी बातचीत हो गई आप लोगों से, मुलाकात हो गई। लेकिन इस बनारस के ऊपर मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। जरूर 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 कह। ऐसे तो बनारस के ऊपर बहुत कुछ कहा गया है, ये भी पंक्ति मेरी नहीं है, मैंने कहीं से निकाली है, बहुत लंबी है, लेकिन इसे मैं कुछ बहुत ही कम पंक्तियों में कहूंगी। जी जी, सुनाइए सुनाइए। आवाज आ रही मेरी? भले खेल सागर हो विष्णु, भले खेल सागर हो विष्णु, शिव का तो दरबार बनारस, छान की बूटी लगा लगोटी, जाते हैं उस पार बनारस, अंडा गुंडा और मुचमुंडा, अंडा गुंडा और मुचमुंडा, सबकी है बनारस,
एक बार जो आप जाता कहता है इसे हमार बनारस, छने कचौड़ी रोज जलेबी, छने कचौड़ी रोज जलेबी, गर्मा गर्म आहार बनारस, साड़ी सूरती गजब निराली, लंगड़ा है सरदार बनारस। बहुत ज्ञान दे देता है भंगी जहाँ, ज्ञान देता है ज्ञानी जाता हार बनारस, उस पार से जाकर देखा चौचक घेरेदार बनारस। वरुणा और असी के भीतर, वरुणा और असी के भीतर है अपन विस्तार बनारस, विविध धर्म और भाषा भाषी रहते जो परिवार बनारस, सभी गुरु यहाँ हो चेला, सभी गुरु यहाँ हो चेला, इह रजा रंगदार बनारस, इह रजा रंगदार बनारस। ये लेखक है सर, तो मुझे नहीं पता कि अब वो इस संसार में है कि नहीं, जहाँ भी है सुख पूर्वक रहे, ईश्वर उनके सुख का साधन उन्हें दें, स्वस्थ रखें। ये पेशे से वकील हैं, मुझे नहीं पता कि वो है कि नहीं है, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो वो काफी बुजुर्ग थे, तो लेकिन फिर भी अब मैं नहीं जानती तो क्या बोलूंगी, तो उस समय वो वकील थे पेशे से। और गजब कौन होने लिखा बनारस के बारे में इन चंद पंक्ति में, हालांकि ये कविता बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है, मैंने इसे बस छोटा ही कर दिया है क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है। बद्दू ने बताया था कि 5 से 6 घंटे का ही समय है और ये 3 मिनट ऊपर जा रहा है, मुझे लगा कि इस कार्यक्रम में यदि हमने इस कविता का जिक्र नहीं किया तो हमने बनारस को अच्छे से प्रदर्शित नहीं किया। तो इस इन चंद पंक्तियों में ही पूरा बनारस हमारा दिख जाता है, जलेबी से लेके, कचौड़ी से लेके, साड़ी से लेके, सूरती से लेके, घाट से लेके, और कैसे हमारा बनारस अर्ध चंद्राकार दिखता है वो भी इसमें बताया गया है। तो बिना, मुझे लगता है कि इन चंद पंक्तियों के बिना शायद अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था और मैं आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर रामाकांत पांडे जी का, जिन्होंने इतनी अद्भुत रचना लिखी। डॉक्टर रामाकांत पांडे जी स्वस्थ हैं अभी, सुरक्षित हैं और अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जी जी जी, क्या बात है, वाह। तो तिवारी जी, पृथ्वीराज जी, प्रतिभा जी, आप सबका दद्दू की चौपाल में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। बनारसी चाट के साथ बुलाने के लिए।